ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस जो तो अंदर हम पहुंच ही गए हैं, आरती का वेट कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके आपको लाइफ की हर सिचुएशन में शांति मिलती है, तो वो जगह है अपना टेंपल। हमें पता चला है यहाँ से 1.5 आवर के डिस्टेंस पे एक टेंपल है जो बहुत फेमस है, तो वहाँ चलते हैं। और टिल देन आप भी सोच लीजिए, भगवान से आपको जो भी मांगना है भगवान आपकी वो प्रार्थना पूरी करें। चलिए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मंदिर का मेन एंट्रेंस जो अभी कोविड की वजह से बंद है, तो साइड में एक डोर इन्होंने ओपन किया है जहां से आप एंट्री ले सकते हो विद मास्क। तो अंदर हम पहुंच ही गए हैं, आरती का वेट कर रहे हैं। तो आप भी सोच लीजिए आपको भगवान से अपने लिए क्या प्रार्थना करनी है, अपने लिए भी मांगिए और एक प्रार्थना कीजिए विश्व कल्याण के लिए हमारे साथ। शतेन्द्रिय आयुषेवेन्द्रिय प्रतिष्ठति ल्यूवन प्रदक्ष। हेलो, बस हो गया। जो आप मंदिर देख रहे हैं पीछे, ये है तमिल संगम द्वारा बनाया गया। ये एक साउथ इंडिया बेस्ड मंदिर है, अंदर से काफ़ी सीरेनिटी है, काफ़ी अच्छा पीसफुल माहौल है। ये मंदिर है डेन हाल्डर में, लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। एम्स्टर्डम से लगभग ये 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं चारों तरफ से और देखते हैं, काफ़ी ही भव्य मंदिर है। पहली बार नैदरलैंड में हमने इतना बड़ा मंदिर देखा है जो एक मल्टी लेयर टाइप से दिखाई देता है। और ये मंदिर की नक्काशी बिल्कुल एकदम साउथ इंडियन पैटर्न पे दिखाई देती है, जैसे कि हम कभी थोड़े टाइम के लिए बेंगलोर में थे तो वहाँ देखा था, ऑलमोस्ट सेम टाइप के मंदिर है। थोड़ा सा इसका स्केल छोटा है बट लेकिन आपको वही फीलिंग देता है, वही स्ट्रक्चर है। काफ़ी बड़े बड़े पिलर्स आपको दिखाई देंगे, काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आने के लिए आपको अभी क्योंकि कोविड चल रहा है उसकी वजह से थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सो यू नीड टू बुक अपॉइंटमेंट एट लीस्ट 1 डे बिफोर कमिंग एंड टाइमिंग आल्सो यू नीड टू कंफर्म। यस, लेकिन आप आएंगे तो अंदर देख के बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया हुआ है अंदर से। मंदिर के अंदर पंडित भी हैं, आप स्पेसिफिक अपने नाम की या फिर किसी पर्पज़ के लिए आप पूजा या अर्चना कराना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं,
ऑन दैट नोट सी यू ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।